Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, as you know that we have already discussed two or three analytical paragraphs. Earlier we had discussed one table and one or two bar graphs. Now in this video, I am going to discuss with you a line graph. So let's see. Below is a graph given showing birth and death rates in a country from 1901 to 2101. Write an analytical paragraph in about 100 to 150 words. So let's see carefully the line graph that is given to us. It is related to death rate and birth rate. And if you notice it carefully, the left side, that is the vertical side of this graph, that shows birth and deaths. And against this, three zeros are written. That means the numbers that are given here, these are in thousands. Like 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 and 70,000. So the left side of this graph is showing us the birth and death rates in thousands. And the x-axis, that is the horizontal line of this graph, that is showing the year. That is given to us in 2020 gaps, like 1901, then afterwards 20 years gap, and then afterwards it is given to us 1921, then afterwards 41, then 61, 81, 2001, then 2021, 2041, 2061, 2081 and 2101. So here you can see it carefully, and the dark line, that is showing us the birth rate in thousands, and the lighter line, that is showing us the death rate. So here the very first paragraph we will write: the given graph shows the birth and death rates starting from 1901 till 2101. तो जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है उसे हम फर्स्ट पैराग्राफ में एज इट इज लिखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो हमें बर्थ और डेथ रेट्स शो कर रहा है किसी कंट्री का. यहाँ कंट्री का नेम हमें नहीं दिया गया है. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 2101, जो कि 1901 से लेके 2101 तक के ईयर का हमें डेथ रेट और बर्थ रेट का ग्राफ जो है वो गिवन है. And it is also telling us कि क्या इसमें बढ़ रहा है, क्या काम हो रहा है, जो कि हम अभी explain करेंगे. So let's see. Since 1901, the birth rate has remained more than the death rate until 2041. That means 1901 से अगर लेकर हम देखें तो birth rate जो है वो death rate से ज्यादा रही. That means birth ज्यादा हुए, death कम हुई. And it remained until 2041 तक यही सेम चीज रही कि बर्थ रेट ज्यादा थी और डेथ रेट कम थी 1901 से लेकर 2041 तक. ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डार्क लाइन है वो ऊपर ही है और जो डेथ रेट की जो लाइट वाली लाइन है वो बर्थ रेट से बहुत नीचे है, तो इन दोनों में काफी गैप है. तो इस तरह से बर्थ रेट ज्यादा रही 1901 से अगर शुरू से ही बात करें 2041 तक, जहां तक कि ये क्रॉस नहीं कर रही है ना, जहां तक कि ये क्रॉस कर रही है तब तक के टाइम पीरियड तक बर्थ रेट ज्यादा था और डेथ रेट कम था. बर्थ रेट वॉज 20,000 इन 1901. अगर स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं 1901 में, तो ये बर्थ रेट कितना था 20,000, क्योंकि ये जो हमें लेफ्ट साइड पे नंबर्स दिए हैं 10, 20, 30, ये थाउजेंड्स में है और जो डार्क लाइन है वो 20 से शुरू हो रही है. दैट मीन्स 20,000 था ये बर्थ रेट और स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, और ये इंक्रीज कर रहा था ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे ये इंक्रीजिंग के मोड में ही है, इसमें डिक्लाइन नहीं आ रहा. इवन अगर अभी आया भी है बीच में एक बार तो थोड़ा सा है, फिर देन आफ्टवर्ड्स फ्लक्चुएशन पीरियड के बाद ही इंक्रीज ही रहा अगर हम इसको कंपेयर करते हैं डेथ रेट से.
इट पीक्ड इन 1961। अब पीक्ड क्या होता है, इसके टॉप पॉइंट पे पहुंच जाना। तो इट पीक्ड इन 1961, अगर 1961 को हम एकदम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये पीक पॉइंट पर पहुंच गया बर्थ रेट। पीक पॉइंट दैट मीन्स द टॉप मोस्ट पॉइंट, और उसके बाद इसमें डिक्लाइन हो रहा है। अब ये कहाँ पर कहाँ तक पहुंचा, इन 1961 टू अराउंड 65,000। ये 60 नंबर है, 60 नंबर से ऊपर देखिए, अराउंड 65, यहाँ तक ये बर्थ रेट पहुंच गया इन 1961। एंड फ्रॉम 1961 बर्थ रेट हैज फ्लक्चुएटेड मेनी टाइम्स बिटवीन 50,000 एंड 60,000। और 1961 से अगर बात करते हैं तो ये बार बार फ्लक्चुएट हुआ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये 50,000 और 60,000 के बीच बीच में बढ़ता रहा या कम होता रहा। दैट मीन्स रहा कहाँ, ये 50,000 और 60,000 के बीच में ही रहा, कभी थोड़ा ऊपर हो गया और कभी कम हो गया। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फॉर द कमिंग ईयर्स, रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 42,000 बाई 2101। और इस ग्राफ को देखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2101 तक ये डिक्लाइनिंग मोड में ही रहेगा। इसमें जो है चेंजेस जो है डाउनवर्ड्स ही जाएंगी, कम होती जाएगी बर्थ रेट। कब तक, 2101 तक, जहां तक कि हमारा ये ग्राफ गिवन है। अब सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। अभी हमने बर्थ रेट को एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे हम डेथ रेट का देखेंगे कि क्या इसका पोजिशन हम बताएंगे यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड द डेथ रेट स्टूड एट अराउंड 10,000 इन 1901। अब जो बर्थ रेट सॉरी डेथ रेट है वो अराउंड 10,000 है, कंप्लीट 10,000 नहीं है, इट इज अप्रॉक्सीमेट 9 और 8.5। तो ये अराउंड 10,000, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये अराउंड 10,000 ये रही 1901 की अगर बात करते हैं। एंड देन हैज इंक्रीज स्टेडीली, और उसके बाद हम देखें तो ये कम नहीं हो रही है, 10,000 से कम नहीं आ रही है। इसके बाद ये इंक्रीजिंग मोड में ही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। स्टेडीली मतलब एक कंटिन्यूस पेस पे वो इंक्रीज होती जा रही है, बहुत ज्यादा एकदम से उछाल नहीं आ रहा उसमें, एक कंटिन्यूस मोड में है। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021 बिफोर लेवलिंग ऑफ टू अप्रॉक्सीमेटली 60,000 बिटवीन 2061 एंड 2081। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021, और यहाँ 2021 की अगर बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ जहाँ डेथ लिखा है, जहाँ पे ये फ्लक्चुएशन कम होके एक स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है, तो यहाँ से हम देखें कि 2021 से लेके इसका जो लेवल है वो कहाँ जाकर सेट होगा, बिफोर लेवलिंग ऑफ टू अप्रॉक्सीमेटली 60,000, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 तक ये जाएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग मोड में है, डेथ रेट यहाँ पे बढ़ रहा है, और इन द बर्थ और डेथ रेट में जो गैप है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट पे ये जो दोनों जाके आपस में कट कर रहे हैं। एंड इसका ये हो रहा है कि ये बढ़ती ही जाएगी, इट इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 से लेकर ये लेवल ऑफ मतलब एक सेम मोड में जाकर टिकेगी, कहाँ जाकर, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 तक वो टिकेगी बिटवीन 2061 और 2081, 2061 2081 ये टाइम पीरियड जो ईयर्स हैं, इन ईयर के बीच बीच में इसकी जो रेट रहेगा वो 60,000 तक रहेगा। The graph indicates a slight decline in deaths in the year 2101. और 2101 जो indicate कर रहा है ये graph, तो ये indicate कर रहा है कि इसमें slight decline है in death rate. जैसे यहाँ से देखिए कि अब 60,000 या उसके बाद टॉप पे अगर देखते हैं 2081 तक, तो हमने देखा कि अराउंड 60,000 रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा जो लाइन है लाइट कलर वाली जो लाइन है डेथ रेट वाली वो नीचे को मुड़ रही है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 21 से ये जो है डेथ रेट कम होना फिर से शुरू हो जाएगी। द ग्राफ शोज द ह्यूज गैप बिटवीन, अब ये हो गया, हमने पहले पैराग्राफ में बताया कि ग्राफ किसके बारे में है, सेकेंड पैराग्राफ में हमने बर्थ रेट को डिस्क्राइब किया, थर्ड वाले में डेथ रेट को, अब यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं।
अब कंक्लूड क्या करते हैं, जो चीज़ हमें मेन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ अगर ध्यान से देखें तो एक तो ये गैप दिखाई दे रहा है बर्थ और डेथ रेट में कि किस टाइम पे बहुत ज़्यादा गैप था, और उसके बाद ये दिखाई दे रहा है कि बर्थ रेट बहुत टाइम पीरियड तक बढ़ता रहा, उसके बाद जाके उसमें कमी आनी शुरू हुई और डेथ रेट उससे ऊपर निकल गया। तो लेट्स सी, द ग्राफ शोज द ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग 1961 टू 2000। 1961 से अगर 2001 तक की बात की जाए तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा गैप था बर्थ रेट और डेथ रेट में, जिसमें कि बर्थ रेशो जो थी वो इंक्रीजिंग मोड में थी और डेथ रेट जो था वो उससे बहुत ज़्यादा कम था। बर्थ रेट ज़्यादा थी और डेथ रेट कम थे। हाउएवर दिस गैप इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द लेटर ईयर्स, पर अगर बाद के ईयर्स की हम बात करते हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो गैप है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए इन दोनों के ग्राफ में, स्टार्टिंग में थोड़ा कम गैप है, बीच में बहुत ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर से कम होना शुरू हो गया। तो लेटर ईयर्स दैट मीन्स बाद वाले ईयर्स में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, ये कम होना है, इसकी एक्सपेक्टेशन है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। एंड ओवरऑल एज अपोज्ड टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स द डेथ रेट विल बी मोर देन द बर्थ रेट इन द लेटर हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी। और 21st सेंचुरी के लेटर हाफ में अगर हम बात करते हैं, बाद वाले पीरियड में लाइक 2141 के बाद वाले पीरियड में, जहाँ पे ये क्रॉस कर गए हैं और डेथ रेट ऊपर की तरफ जा रही है और बर्थ रेट नीचे की तरफ, तो ये ऐसा माना जाता है कि लेटर हाफ में 21st सेंचुरी के लेटर हाफ में ये जो डेथ रेट है वो बढ़ जाएगी और बर्थ रेट कम हो जाएगी। दैट मीन्स जो ट्रेंड चला आ रहा था पहले से, अगर स्टार्टिंग 1901 से 20th सेंचुरी की बात करते हैं, तो 20th सेंचुरी के स्टार्ट से 21st सेंचुरी के मिड तक जो ट्रेंड चला आ रहा था कि बर्थ रेट ज़्यादा थी और डेथ रेट कम, तो आफ्टर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी, दैट मीन्स 2041 या 2050 के बाद जो टाइम पीरियड रहेगा लेटर हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी, इसमें एग्जैक्ट अपोजिट ट्रेंड हो रहा है जो हमें देखने में आ रहा है कि जो बर्थ रेट है वो कम होता जा रहा है और डेथ रेट जो है वो ऊपर की तरफ है। लाइक डार्क लाइन जो है वो नीचे आ गई है और लाइट लाइन ऊपर चली गई है, तो डेथ रेट बढ़ गया है और बर्थ रेट कम हो गया है। एंड नाउ हियर इन दिस स्लाइड वी हैव बीन गिवन दिस फुल पैराग्राफ, यू कैन ऑल्सो हैव अ स्क्रीन शॉट ऑफ द सेम एंड रीड इट आफ्टरवर्ड्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो विद दिस आर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एनालिटिकल पैराग्राफ हैज कम टू एन एंड। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड इट। थैंक यू। Have a nice day.